दोस्तों, मैं आज आपको फार्मेसी के बारे में कुछ अच्छी बातें और स्कोप और फार्मेसी क्यों लेना चाहिए, फार्मेसी में क्या है और फार्मेसी होने के बाद क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फार्मेसी का डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है। फार्मेसी इट इज़ आर्ट। फार्मेसी एक कला, साइंस, और साइंस में आप लोग नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स से मेडिकेशन तैयार कर सकते हैं। और डिस्पेंसिंग मेडिकेशन मतलब लोगों को दवा दे सकते हैं और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये तो हुआ फार्मेसी का डेफिनेशन। और फार्मेसी में आपको आना है, फार्मेसी में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। फार्मेसी को आपका एलिजिबल होने के लिए आपको ट्वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। ट्वेल्थ होने के बाद आपको CET और NEET जैसी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इसमें आप क्वालिफाई हो चुके तो आपको फार्मेसी में एडमिशन और भर्ती कराया जा सकता है। और चलिए ये तो हुआ एलिजिबल, और बात करते हैं फार्मेसी का स्कोप क्या है। फार्मेसी लेने के बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा और गवर्नमेंट में मिलेगा या सेल्फ जॉब मिलेगा, इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट में आपको बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में फर्स्ट वाला है ड्रग इंस्पेक्टर के बाद फार्मासिस्ट के बाद अलग अलग जॉब होते हैं, जैसे कि बैंक जॉब, UPSC, PCI, PSC, ऐसे जॉब होते हैं। तो सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर आपको तो पता ही होगा, DI आपको तो पता ही होगा। तो DI में आपको गुड करियर कर सकते हैं, अच्छे से खासे अर्निंग कर सकते हैं, और इसमें आपको रेपुटेशन मिलती है, मान सम्मान मिलता है, और इसकी सैलरी तकरीबन 55,000 से लेकर 65,000 तक होती है। ये कम ज़्यादा हो सकती है, आज की डेट में ये सैलरी चल रही है। इसके बाद फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट आपको जॉब कहाँ मिलती है, फार्मासिस्ट होने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे, ऐसी जगह में आपको जॉब मिल सकती है। और इसके बाद बैंक जॉब, बैंक को आपको पता ही होगा कि बैंक में क्या काम करना पड़ता है। ये हुआ गवर्नमेंट सेक्टर। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब MR, आपको MR के बारे में पता होगा। इस MR को अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और नेटवर्क होना चाहिए ये MR को, तो आप अच्छा इसमें करियर कर सकते हैं। और इसमें आपको भर्ती भी किया जा सकता है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर से एक्सेट्रा, ऐसे आपको भर्ती किया जा सकता है। और अगला मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब होता है उसमें। इसमें आपको कम एजुकेशन भी चल सकता है, पर आपको इसमें जो आपकी बढ़ती होती है वो कम समय में होती है, पैसा कम मिलता है, और हायर एजुकेशन वाले लोगों को भी इसमें पैसा कम मिलता है। तो आप स्मार्ट हो गए, स्मार्ट मतलब वो वाला स्मार्ट नहीं, स्मार्ट मतलब 4-5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा, तो आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकता है। ये होने के बाद मेडिकल अंडर हैंडराइटिंग मतलब आपको मेडिसिन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं और कुछ भी जो डिटेल होती है वो लिखने का काम ये इसमें होता है। और तीसरा मतलब सेल्फ में आपको बताने चाहता हूँ कि सेल्फ में ड्रग सेलर और होलसेल तो आपको पता ही होगा। होलसेल इसमें आपको प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आप जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका लाइसेंस भी ले सकते हैं, और आप खुद है तो आप खुद का मेडिकल स्टोर और होलसेलर डाल सकते हैं, और जो छोटे छोटे मेडिकल होते हैं उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज आप स्मॉल कंपनी बना सकते हैं अपनी, और अपना ब्रांड का नेम दे सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका मेडिसिन। ये तो आपने देखा, ये फार्मेसी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो अगले वीडियो में मैं आपको फार्मेसी के जो सब्जेक्ट होते हैं एक एक सब्जेक्ट लेकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ाने के लिए आपको अगला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और वो घंटे वाला बटन है वो दबाना मत भूलिए, नहीं तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा वो नहीं आएगा।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।